नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छतरपुर के चंदला में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता JMCG आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का रविवार समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में सरवई की टीम ने चंदला को हराकर फाइनल का खिताब हासिल किया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री व चंदला विधायक दिलीप अहिरवार स्वागत किया गया, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। फाइनल चंदला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। चंदला के बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 199 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी सरवाई टीम 20 ओवर में 200 रन बनाकर चंदला टीम को हराकर फाइनल का खिताब हासिल किया। वहीं चंदला विधायक दिलीप अहिरवार ने अपने संबोधन में आयोजन समिति की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि हारने वाले खिलाड़ियों को निराश नहीं होकर कमियों को दूर करना चाहिए तथा अगली बार ऐसी प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाकर लोहा मनवाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बने, खेलों के साथ शिक्षा में भी रुचि लेकर क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया। आगे उन्होंने कहा कि खेल जीवन का आवश्यक एवं अहम हिस्सा होता है। खेल के दौरान हार जीत होती है, जिसमें एक टीम ही विजय रहती है और हारने वालों को भी जीत का प्रयास जारी रखना चाहिए। इस तरह के आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से समाज में खेल के प्रति जागृति आती है। मुख्य अतिथि विधायक दिलीप अहिरवार द्वारा विजेता टीम के खिलाड़ियों को प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए एवं ट्रॉफी LDTV, वही उपविजेता चंदला के टीम को द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपए नगद और ट्रॉफी प्रदान किया गया। अंशु हर्षित शुक्ला के द्वारा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। इस मौके चंदला विधायक दिलीप अहिरवार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष छतरपुर बॉबी राजा, गौरव दीक्षित, ज्ञानेंद्र मिश्रा, अवध मिश्रा, दीनू तिवारी उर्फ नन्ना, अरविंद खटी, कशिश तिवारी, अमित जैन, संजय जैन, धर्मेंद्र सिंह, शुभम त्रिवेदी, प्रवीण अग्रवाल और पुलिस प्रशासन तैनात रहा। सभी सदस्यगण एवं नगर बंधु उपस्थित हुए। इंडिया न्यूज 28 के लिए संवाददाता रवि राजपूत की रिपोर्ट। व्यवस्थाएं यहां पर रही, क्या कहना चाहेंगे, बधाई किस तरीके से देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो यहां पे दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा, जो इतने ज्यादा मात्रा में सबको आया यहां पे टूर्नामेंट देखने के लिए। किसी ने भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाई, सभी ने बढ़िया शांतिपूर्वक टूर्नामेंट का आनंद लिया। और सरवाई टीम को भी बधाई दूंगा, बहुत अच्छा मैच खेला टीम, अपने मैच जिताया। इसके बाद चंदला टीम अब विजेता रही, उनको भी बधाई दूंगा, विजेता टीम का कप यहाँ से जीत के लेके गए। और मेरे टूर्नामेंट कमेटी में मेरे साथ मेरे बड़े भाई श्री अमित जैन जी, संजय जैन जी और रोहित तिवारी जी, विनय तिवारी जी, ब्रजेंद्र शुक्ला जी, ज्ञानंद मिश्रा जी, टीना नन्ना, अनुपम द्विवेदी, हमारी कमेटी के सदस्य थे, भरपूर सबने सहयोग किया। सभी लोगों के माध्यम से टूर्नामेंट कराया गया। नगर परिषद उपाध्यक्ष अंशु हर्षित शुक्ला, जिन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की और अंत भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु हर्षित।